नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों के लिए लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है फ्रेंड, और मैं आप सभी के बीच में दोस्तों एक पुख्ता सबूत रखने जा रहा हूँ, जो कि झारखंड वासियों के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार न्यूज है। तो फ्रेंड मैं बता दूं, झारखंड में 1932 लागू करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। जैसा कि फ्रेंड कुछ दिन पहले विशेष सत्र में हेमंत सोरेन ने कहे थे, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, राज्य में 1932 और ओबीसी आरक्षण को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट मैं लाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड मैं बता दूं, झारखंड कैबिनेट बैठक होने जा रही है 14 सितंबर शाम 4 बजे। तो दोस्तों इस कैबिनेट बैठक में 1932 लागू और साथ ही ओबीसी आरक्षण मिल सकती है। मैं आप सभी के बीच में एक न्यूज़ दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहेंगे। कैबिनेट से दोस्तों बहुत ही जल्द स्वीकृति मिलने जा रही है, वीडियो पर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, और इससे पहले फ्रेंड चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही हर पल अपडेट जानने के लिए। तो दोस्तों मैं आप सभी के बीच में एक ऑडियो क्लिप प्ले करने वाला हूं, साथ ही दोस्तों मैं उस न्यूज को दिखाऊंगा कि क्यों लागू हो सकता है। तो अच्छे से सुनिएगा फ्रेंड, ठीक है? ये कुछ दिन पहले का है। और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा, 1932 और ओबीसी के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है, इसको आप भारत सरकार से करा के लेके आना। आप भारत सरकार से करा के ले आना, सरकार को लागू करवा के ले आना, हमारा 32 के कल्याण के आधार पर निर्णय करवा के आना और ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में निर्णय करा करके आना। जैसा कि फ्रेंड वह जो वीडियो था दोस्तों, वह कुछ दिन पहले का जो कैबिनेट में विशेष सत्र बुलाए थे हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी, तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर जो आज की जो न्यूज विंग से माध्यम से जो अपडेट निकल कर आ रही है, 10 सितंबर 2022 की डेट में फ्रेंड 14 सितंबर को कैबिनेट बैठक होगी, 1932 खतियान लागू करने की मिल सकती है मंजूरी। यानी दोस्तों संभावना है, मिल सकती है मंजूरी। तो देख सकते हैं फ्रेंड आज ही का जो न्यूज है, न्यूज विंग से निकल कर आ रहा है, रांची राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 14 सितंबर को होगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में सभागार में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक में 1932 खतियान लागू करने पर भी मंजूरी मिल सकती है, और इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बैठक की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय के संबंध में विभाग में दी है। और दोस्तों एक न्यूज़ और एक देख ले, और यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं ये पिछले कल का पेपर है, 9 सितंबर 2022 में। यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मंत्री जो हैं जगन्नाथ महतो जी, आपकी कैबिनेट में 1932 खतियान पर मुहर लगनी तय, जगन्नाथ महतो। यानी दोस्तों आने वाले जो 14 सितंबर है, इनका कहना है आपकी कैबिनेट यानी जो भी आएगी पहली, यानी जो भी आएगी दोस्तों अभी आपकी कैबिनेट में 1932 मुहर लगनी तय। यानी दोस्तों इस बार 1932 का खतियान आरक्षण और ओबीसी 27% आरक्षण मोहर लगनी तय, यह जगन्नाथ महतो जी का कहना है। अब तो ये आने वाले दिनों में पता चलेंगे फ्रेंड 14 सितंबर को क्या होगी। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट थी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही फ्रेंड आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।